हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कुतुब की क्लासेस। आगे एक न्यू वीडियो लेकर के और आज का जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं अपने जाने माने कहानीकार यानी कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ वीडियोस, यानी कुछ इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इनके जन्म कब हुआ, कब डेथ हुआ, सब इनके बारे में बताने वाले पूरे बायोग्राफी लगभग। तो आपको करना है कि बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और करना सेलेक्ट, क्योंकि जो वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के एक गांव लम्ही में हुआ। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म हुआ 1880 ईस्वी को बनारस के करीब गांव लम्ही में। और इनका पहले एक बार आप लोग बता दूं, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था इनका धनपत राय, और इनको इन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे थे। उसके बाद 1910 ईस्वी में इनको प्रेमचंद्र नाम का इख्तियार मिला था और फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। यानी कि मुंशी प्रेमचंद इनको पहले नवाब राय, इनका नाम पहले धनपत राय था, ठीक है। फिर इन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने वगैरह लिखे, अफसाने जो होते हैं ना, कहानी वगैरह ये सब लिखे इन्होंने। उसके बाद इनको 1910 में जाकर के प्रेमचंद्र नाम का इख्तियार मिल गया इनको, ठीक है। और यहाँ पे इनके वालिद का नाम अजायब लाल और इनके वालदा का नाम आनंदी देवी था। और जो इनके वालिद यानी कि अजायब लाल, ये डाकघर में क्या थे, क्लर्क थे, क्लर्क की नौकरी करते थे, ठीक है। फिर प्रेमचंद जब 8 साल के थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो, यानी कि इनकी जो माँ है इनका इंतकाल हो, तब इन जब ये 8 साल की उम्र तक पहुंचे तब आनंदी देवी का इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद जब प्रेमचंद जब हमारे 15 साल के हुए तो इनके वालिद ने इनका निकाह कर दिया, यानी इनकी शादी कर दी। और कुछ दिनों के बाद फिर उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, यानी कि जो प्रेमचंद्र थे इनकी 15 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। उसके बाद इनके वालिद ने इनको मतलब इनको छोड़कर चले गए, इनके वालिद भी उनका भी इंतकाल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो मुंशी प्रेमचंद थे ये 8वीं कक्षा के बाद इनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। और उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ना, जो यानी कि शिक्षा विभाग, उसमें इन्होंने नौकरी कर ली। सरकारी मुलाजमत की वजह से प्रेमचंद्र जो थे ये हक की बात नहीं कर पाते थे, यानी कि अपने हक की जो बात थी वो इजहार नहीं कर पाते थे। फिर क्या करा इन्होंने, इसकी वजह से इन्होंने क्या, ये सरकारी काम था, मुलाजमत था, इन्होंने ये भी तर्क कर दी, छोड़ दी। उसके बाद सारी जिंदगी इन्होंने यानी कि सारी जिंदगी कहानी नावेल अफसाने ये सब लिखने में इन्होंने गुजार दी पूरी सारी जिंदगी। और प्रेमचंद ने इन्होंने लगभग 350 से ज्यादा अफसाने और 12 नावेल लिखे हैं लगभग इन्होंने, और जिसमें से कौन कौन से उनके ये नावेल और अफसाने आते हैं इसमें बता दूं आपको, जैसे कि यह कुछ गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सब इनके उपन्यास में थे, यानी कि नावेल्स वगैरह थे ये सब इसमें थे, ठीक है। कहानियां इनकी कौन कौन सी, इनकी कफन, पंच प्रेम, परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ऐसे करके 350 से ज्यादा इनके क्या कहते हैं कहानियां थी इनकी। और इन्हें यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र को पहला बड़ा अफसाना निगार भी कहा जाता है इनको। और अक्सर लोगों के ख्याल में वह उर्दू के सबसे बड़े अफसाने निगार भी हैं, यानी कि जो लोगों में ना इनके इनके ख्याल में अभी भी कि सबसे बड़े अफसाने निगार जो है वो प्रेमचंद्र ही हैं। उन्होंने मुख्तसर अफसानों को मायार अता किया, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ खूबियां, हर इनकी हर अफसाने में कुछ ना कुछ खूबियां थी, कुछ ना कुछ अच्छी टॉपिक के ऊपर इनकी मतलब अफसाने वगैरह रहते थे। इनके अफसाने और जो नावेल हैं ये उर्दू के बेशकीमती सरमाया हैं इनके। इनके मजमुओं में वारदात, प्रेम 25, प्रेम 32, आखिरी तोहफा, निजात और ज़ादिरा काबिल जिक्र हैं। और इनके नावेल में जोगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न और गोदान मुमताज हैसियत रखते हैं। और इसके बाद 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका डेथ हो गया। इन जो प्रेमचंद थे इनके निधन हो गई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। तब तक से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।